मेरे प्रिय साधकों, एक बात याद रखना, जो खोया वो गम नहीं, जो पाया वो कम नहीं, जो खोया वो गम नहीं, जो पाया वो कम नहीं, जो नहीं है वो एक ख्वाब है, लेकिन जो है वो लाजवाब है। जो खो दिया सो खो दिया, उस पर विचार क्या करना, व्यर्थ विचार मत करो। रात गवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए, ओ हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। कई लोगों ने तो सो सो करके ही जिंदगी निकाल दी, कई लोगों ने खा खा कर, लेकिन हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। ये हीरा जन्म बड़ा अनमोल था, कौड़ी के भाव बिक गया। इसलिए प्रिय साधको, आज भगवती सिद्धिदात्री के दिवस में माता परांबा आद्य शक्ति सिद्धि देने वाली, और जो 9 दिवस तक भगवती की आराधना उपासना साधना करता है, 9 दिवस पर सिद्धिदात्री उस काम को सिद्ध कर देती हैं। इसलिए आज का स्वरूप ही सिद्धिदात्री माता का है। एक बात और, बुरा ना माने, घर की माँ अगर तुम अपनी खुश रखोगे तो मंदिर वाली अपने आप खुश हो जाएगी। घर की माँ तुम खुश रखोगे तो मंदिर वाली खुश हो जाएगी, और मेरे पागलो, तुम मंदिर वाली को खुश करने के चक्कर में रहोगे और घर की दुखी रहेगी, तो मंदिर वाली सिरा वाली कभी तुम पर खुश नहीं होगी। इसलिए मेरे पागलो, माँ बाप इस धरती के ईश्वर हैं। हमारे जीवन में एक घटना घटी थी, आहा, बहुत बार हमें जब माँ की बात आती थी तो बहुत आती है। एक जगह कथा हो रही थी कहीं उत्तर प्रदेश के पास, तो हमारी आदत है कि जब कथा होती है तो आसपास हम जाते हैं। तो वहां के आयोजक ने कहा कि बगल में एक वृद्धाश्रम है, आपको चलना चाहिए। हमने कहा ठीक है, आदत के स्वरूप हमने सुबह से कुछ बिस्कुट ली, फल लिए, अपनी झोली माला उठाई, नहा धो करके, खैर अपना सुबह ही 12 बजे होती है, सुबह ही 12 बजे होती है, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त अपना 12 बजे के पहले होते ही नहीं। पूजा पाठ करके उल्टी सीधी माला जप कर, और वृद्धाश्रम के लिए हम गाड़ी पर यजमान जी के साथ बैठे, यजमान जी आगे हम पीछे, खैर चेला आगे ही होना चाहिए। जब हम वृद्धाश्रम गए तो सबने बड़ा स्वागत किया, वृद्धाश्रम के जो ओनर थे उन्होंने बड़ा स्वागत किया, सभी बूढ़े बूढ़े माताजी पिताजी आ गए जो रहते थे। अरे महाराज जी आए, गुरुजी आए, गुरुजी आए, गुरुजी आए, बड़ा लाड़ देने लगे, कोई छूने लगा, कोई प्रणाम सीताराम होने लगी, और हम बढ़िया बैठ गए बीच में। तो काऊ को हम सेव फल देवे, काऊ को हम पारले जी देवे, काऊ को 20-20 बिस्कुट देवे, सब बड़े खुश, काऊ के गले में माला डालें, सब आशीर्वाद देवे, माताएं बूढ़ी बूढ़ी अपनों परिचय बतावें, काऊ बतावे हम महाराज यहाँ के हैं, कोई कहे महाराज जहाँ के आप हो, गड़ा गांव के छतरपुर के होते, हमारी बिटिया है, सब अपना अपना परिचय देवे। लेकिन हमारी नज़र बार बार खिड़की की तरफ जावे। आप पूछोगे खिड़की पे क्या था, खिड़की पर एक वृद्ध दादाजी एक बूढ़ी माँ खड़ी थी, लगभग हमें 1 घंटा हो गया, उन्होंने ना तो हमारी तरफ देखा ना कोई रिस्पॉन्स, और हमने बुलाया, उन्होंने कहा बैठो महाराज, ऐसे हाथ कर दिए, हम बड़े चौंक गए। तो हमने वहीं साथ में रहने वाले बूढ़े दादाजी से पूछा, एक से, सब बैठे ही थे, हमने कहा दादाजी क्या बात, ये लोग कौन है और खिड़की की तरफ क्यों देखते हैं, क्या बात है, ऐसा क्या रहस्य, आखिर ये खिड़की से झांकते क्या है, अरे हम आए, हमारे पास भी नहीं आ रहे, फल भी नहीं ले रहे, पार्ले जी भी नहीं ले रहे, रुपया भी नहीं ले रहे, क्या बात है, इनका स्वास्थ्य तो ठीक है, दिमागी दिक्कत तो नहीं है कुछ। तो 2-3 दादाजी और माताजी मिलकर बताने, पंडित जी स्वास्थ्य इनका बिल्कुल ठीक है, दिमाग एकदम बढ़िया है। तो हमने कहा ये खिड़की से क्या देखते हैं, जब उन्होंने जो बताया हमारा तो
हृदय फट गया। बोले पंडित जी, इनको खिड़की से अपने बेटे का मकान दिखाई देता है और ये अपने पोते से बड़ा प्रेम करते। तो पोता जब सुबह स्कूल निकल जाता, अब वो स्कूल से वापस आता तो गाड़ी से उतरते हुए चढ़ते हुए देखने के लिए पूरे दिन तक वो खिड़की पर खड़े रहते। माई बाप, हम तुमसे प्रार्थना करें, सबको दुख देना, कभी अपने माँ बाप को दुख मत देना, माँ बाप को मत सताना, माँ बाप को कभी मत सताना। माँ बाप इस धरती के भगवान है। माई बाप, हम अपने जिंदगी की बोले तो हमारे जीवन में जितनी हमारे ऊपर कृपा है वो हमारे माँ की कृपा है। आचार्य जी, जब बहुत अभाव में हमारी जिंदगी थी तब हमारी माता जी एक बात सुनाती थी पंडित जी। वो कहती थी, बेटा घर में भले ही खाने को नहीं है, हमारा परिवार बड़ा दीनहीन परिवार से था यजमान जी, भोजन के लिए हम भिक्षा मांगते थे, गांव में भिक्षा लेने जाते थे, 10-15 घर पर मांगने जाते थे तब 1.5 किलो आटा मिलता था, उसी को फिर हमारी माँ बनाती थी, हमें खिलाती, छोटे भाई को बहन को, अमावस्या पूर्णमासी मांगने जाते थे। लेकिन हमारी माँ ने एक बात सिखाई हमें, बोले बेटा जब भी घर से बाहर निकला करो, मुस्कुराते हुए निकला करो, दुनिया को ये पता ना चले कि हम भूखे हैं। और माँ बाप कितने भी विचित्र हो जाए, बेटा कितना भी नालायक हो जाए, पर याद रखना, पिता का प्रेम किसी कारणवश कम हो सकता है पर माँ का प्रेम तो मरते दम तक कम नहीं होगा। माँ बड़ी ममतावान होती है, बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनकी माँ होती है। और मेरे साधकों, मेरे पंजाब के लोगों और पंजाब के युवान भाई बहनों से प्रार्थना है, मेरे युवानों, तुम नशा के चक्कर में अपने माँ बाप की मत धो देना, माँ बाप को नीचा मत दिखाना। कृपा करके तुम्हें मौका मिला है, वैष्णो देवी के मंदिर तुम जा पाओ या ना जा पाओ, तुम पहाड़ चढ़ पाना या ना चढ़ पाना, पर माँ बाप के चरणों की सेवा मत त्यागना। वो पहाड़ा वाली माँ भी तुम्हारे मंदिर न आने से रुष्ट नहीं होगी, लेकिन अगर तुम माँ बाप की बात नहीं मानोगे, माँ बाप को दुत्कारोगे, माँ बाप को वृद्धाश्रमों में छोड़ोगे, तो तुम्हारी माँ और तुम्हारी दुर्गा और तुम्हारी काली तुमसे कभी प्रसन्न नहीं होगी। तुम चाहे जितनी साधना करो। एक सज्जन कहते थे, हमने किसी जगह कहा कि इस देश में अगर बेटियों को माँ बाप को रखने का मौका मिलता तो भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होता। अगर बेटियों को माँ बाप को रखने का अधिकार होता तो भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होता। लेकिन आज हम एक नई बात बोल रहे हैं पठानकोट के इस मंच से, जो घर की बहुएं हैं वही बेटी बन जाएं और सास ससुर को माँ बाप अगर मान लें तब भी भारत के वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे, तब भी भारत में वृद्धाश्रम नहीं है। क्यों? माँ की ममता का कोई तौल नहीं।